इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर, जहां पर मोदी सरनेम के मामले में 21 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि इसी वजह से राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी, और अब इसे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। यहां पर राहुल गांधी ने याचिका में क्या कुछ कहा वो जानकारी भी निकलकर सामने आ गई है, जहां सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी शुमार है, उन्होंने याचिका लगाते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वो अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे, यानी कि पॉलिटिकल करियर जो है उसके 8 साल राहुल गांधी के चले जाएंगे। ये बात याचिका में कही गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। इतना नहीं, अपनी याचिका में राहुल गांधी की तरफ से शिकायतकर्ता के उस दावे को भी खारिज किया गया, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले लोगों को बदनाम किया है। राहुल गांधी की याचिका में ये भी कहा गया कि वो एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानहानि के मामूली आधार पर उन्हें सजा देने से निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संसद में आवाज उठाने और देश के लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने से रोका गया। याचिका में साथ ही ये भी कहा कि दोष सिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगाने से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को महीनों तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अपूर्ण क्षति होगी। लेकिन याचिका में पॉलिटिकल करियर जो 8 साल का चला जाएगा उसकी बात भी कही गई, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।